तो ये देखो बाहर से कुछ ऐसी दिख रही है ये ट्रेन, ये देखो एक नाइट, ये देखो भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं अभी फ़िलहाल दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर और मैं यहां से जाने वाला हूं जयपुर। हाँ गाइस, आपको बता नहीं सकता कि आज कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को, क्योंकि आप जिस ट्रेन में हमेशा ट्रैवल करने के सपने देखता था, मतलब कि मैं सोचता था वो पता नहीं ख्वाब कब मेरा पूरा होगा, वो आज पूरा होने जा रहा है। जो मेरी ड्रीम में से कह लो एक जो ट्रेन थी, जो मेरी फेवरेट थी, मैं चाहता था उसमें मैं ट्रैवल करूँ, आज मैं उस ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। और जो जिस ट्रेन में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ उसका नाम है डबल डेकर, ये देखो जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस, जो चलती है दिल्ली सराय रोहिल्ला से जयपुर तक। और इसकी जो टाइमिंग है यहाँ से दिल्ली से, जब ये निकलेगी 5:35 पे शाम को, मेरे को करीब 10 बजे ये जयपुर पहुँचा देगी। बेहद शानदार खूबसूरत ट्रेन है भाई, मेरा ना हमेशा से इसमें मन था कि एक दिन मैं ज़रूर बैठूँगा, और फाइनली आज वो दिन आ गया और जब मैंने इसकी टिकट बुक करी। तो ये देखो बाहर से कुछ ऐसी दिख रही है ये ट्रेन, ये देखो एक सीट नीचे, इसमें तो मैं ही आ रहा हूँ। ये इसका नीचे का पूरा, मतलब कि पूरा सटा हुआ है, पूरा इससे कहते हैं इससे पूरा सटा हुआ है ये, जहाँ से एंटर करते हैं अपने का रेलवे स्टेशन से। और एक ऊपर ये देखो भाई, इस ट्रेन में कुल करीब कम से कम मान के चलो तो 11 डिब्बे हैं इसके अंदर। और मेरा जो कोच नंबर है वो है C5, ठीक है, तो वो आगे लगा हुआ है मेरा कोच नंबर। बट जब तक मैं सोच रहा हूँ कि घूम घूम के क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए, ये देख लो धीरे धीरे सराय रोहिल्ला का रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है, ठीक है। ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये अच्छा है। अभी इसके डोर्स ओपन हो जाएंगे, ये देखो डबल डेकर डोर्स ओपन हो जाएंगे, फिर अंदर चलेंगे, फिर अंदर देखेंगे क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो भाई चलते हैं अंदर, चलते हैं। ये तो भाई बाथरूम वगैरह इधर, ये है भाई सीट अरेंजमेंट, दरवाज़ा, ये देखो भाई सीट, इधर लगी हुई है, इधर सामान रख लो आराम से। ये सीढ़ियाँ नीचे के लिए, पहले ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर देखते हैं, ऊपर के लिए सीढ़ियाँ। आइए आइए आइए, ए सी चल रहा है मस्त इसमें, पहली बार आयो। मेरा तो लोअर में था, सीट नंबर लोअर कितना था, 56। ये C5 है ना अंकल जी, कौन सा है C5? हाँ, C5 कौन सा नंबर है? मेरा है 46। विंडो ये 52 है, 40 हाँ ये है 46 विंडो सीट। सर्विस थी वो करीब 17 अगस्त को हुई थी 2012 के आसपास, तब से ये ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का करीब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए नहीं, थोड़े पास के सफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। तो करीब ये 300 किलोमीटर है यहाँ से जयपुर, और ये करीब 4.5 घंटे के अंदर पहुँचा देंगे। अब आप सोच सकते हो कितनी बेहद अच्छी ट्रेन है ये। ऐसा दिखता है भाई अंदर से, AC चेयर कोस, AC चल रहा है चिल्ड, भीड़ भाड़ नहीं दिख रही ज़्यादा। ये दो कहते 3 चेयर, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, आराम से चार्जिंग कर लो। और ये विंडो भाई खोलने वाला है ये ऐसे, और ये तो अपने आप चला गया। और इस ट्रेन की पता खास बात क्या लगती है मेरे को,
कि आप कभी भी टिकट बुक कर सकते हो बस एक दिन पहले, क्योंकि इसमें हमेशा सीट अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो एक एग्जीक्यूटिव क्लास होती है और ये आपका एक चेयर वाली क्लास होती है, तो प्राइस का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट कोई नहीं, अपने ने तो एसी चेयर वाली जो है वो टिकट बुक की है। और भाई यहाँ पे पानी की बोतल रख लो अपना आराम से, और भाई सीट का कंफर्टेबल बहुत बढ़िया है। तो भाई ट्रेन निकल चुकी है अपनी एग्जैक्ट 5:35 पे। ये भाई बढ़िया चाय, 32 मिनट डालो आराम से डुबो के पी लो। ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। चलो भाई चाय पीते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं रेवाड़ी, वहाँ से बस अभी जस्ट ट्रेन निकल चुकी है। तो चलो आपको यहाँ के वॉशरूम दिखाता हूँ, इस ट्रेन का वॉशरूम कैसा है। ठीक है, ये वॉशरूम है, ये शीशा लगा हुआ है मिरर। ठीक है, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं वॉशरूम वगैरह कैसा है। तो भाई ये इंग्लिश टॉयलेट है इनका। तो भाई ये देखो सामने एक मिरर लगा है, लाइट जल रही है, ये विंडो और ये इंग्लिश टॉयलेट सही है यार, साफ सफाई अच्छा ध्यान रखा गया है। ये देखो टॉयलेट पेपर है, ये है कि नहीं अच्छा है वैसे। देख लो भाई अलवर का रेलवे स्टेशन, नौ 7:48 हो रहे हैं और ये ट्रेन अभी अभी पहुंची है 7:48 पे। ठीक है, और अभी अलवर पहुंचे, अभी निकलेगी यहाँ से थोड़ी देर में, 2-3 मिनट का होल्ड होगा इसको लग रहा है। तो निकल चुके हमारी ट्रेन अलवर से करीब 7:54 पे, और ये हमें पहुंचा देगी 10 बजे पूरा अपना जयपुर। ये देखो भाई बस कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, बाहर का ट्रेन चल रही है बस स्पीड में। सिस्टम वगैरह लगा रखा है इधर पूरा बिजली का। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं जयपुर जंक्शन, ये देखो रेलवे स्टेशन, वो खड़ी अपने डबल डेकर। अभी पहुंचाई हूं तो मैं आपको उसका ट्रेन का टिकट प्राइस बताना भूल गया था, तो मैंने कहा चलो वो बताता हूं मैं आपको। जो टिकट प्राइस पड़ा मेरे को दिल्ली से लेके यहाँ जयपुर तक का डबल डेकर का, वो मेरे को पड़ा करीब 575 रुपये का, यानी उसकी जो टिकट थी वो 500 रुपये की थी, बाकी जो भी टैक्सेस वगैरह कन्वेंशन फ़ीस और जो मैंने पेटीएम से बुक किया था तो उसका जो एजेंट चार्जेस थे 40 रुपये वो एक्स्ट्रा लग गए। तो इसका मतलब मेरे को पूरी जो टिकट पड़ी वो करीब मेरे को पड़ी 575 रुपये की। तो अच्छी थी ट्रेन जर्नी मेरी, काफ़ी अच्छी रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आई होप कि आप लोग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो इस ट्रेन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।